माताई दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेष संक्रांति तिथि के बारे में। क्या रहेगा समय, क्या रहेगी पूजा विधि, महत्व क्या है, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेष संक्रांति तिथि का, तो ये जो व्रत है ये 14 अप्रैल को दिन जो है वो शुक्रवार को पड़ रहा है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में मेष संक्रांति जो है वो इस साल मनाई जाएगी। अब अगर मैं मेष संक्रांति के महत्व के बारे में बात करूं, तो शास्त्रों के अनुसार मेष संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व जो है वो माना गया है। मेष संक्रांति के दिन अन्न का दान करना विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। इस दिन बैसाख महीने की प्रवृत्ति होती है। मेष संक्रांति के दिन ही सूरज देव उत्तरायण की अभी यात्रा को पूरा करते हैं। भारत में अलग अलग जगहों पर मेष राशि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। बंगाल में रहने वाले लोग मेष संक्रांति को नए साल के रूप में मनाते हैं। मेष संक्रांति के दिन धर्मघट का दान स्नान तेल द्वारा पितरों का तर्पण किया जाता है। इस दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करना महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मेष संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान दान और पितरों का तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मेष संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने के बाद गुड़ और सत्तू खाने का नियम बताया गया है। बिहार राज्य में मेष संक्रांति के दिन सतुआ के रूप में जो है वो मनाया जाता है। अगर मैं बताऊं कि मेष संक्रांति में कौन से शुभ कार्यों की शुरुआत जो है वो होती है, तो मेष संक्रांति से खरमास होने के कारण मांगलिक कामों को रोक जो है वो लग जाती है। इस दिन जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास समाप्त हो जाता है, जिससे शुभ कामों की शुरुआत जो है वो हो जाती है। इस दौरान विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य जो है वो किए जाते हैं। मेष संक्रांति पुण्य काल जो है वो क्या रहेगा, तो मेष संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करना शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है। मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मेष संक्रांति के दिन दान पुण्य करता है तो उसे अत्यंत फल जो है वो प्राप्त होता है। शास्त्रों में मेष संक्रांति के दिन संक्रांति के 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद तक पुण्यकाल रहता है। मेष संक्रांति को उत्तराखंड में विखोती के नाम से मनाया जाता है। मेष संक्रांति के दिन उत्तराखंड में रहने वाले लोग एक पत्थर को दैत्य का रूप मानकर उसे डंडे से मारते हैं। मेष संक्रांति के दिन उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर मेले जो है वो लगते हैं और मेष संक्रांति के दिन जो है वो परंपरागत नृत्य गीत और संगीत का उत्सव जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर मैं पूजा विधि की बात करूं तो इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर जो स्नान जो है वो नदी से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या जो सरोवर ना हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा चंदन, कुमकुम, लाल फूलों की गुलाब की पत्तियाँ जो है वो मिलाई जाती हैं और तांबे के लोटे में जल भरकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर खड़े होकर हाथों में लोटे को अपने सिर से ऊपर रखकर धीरे धीरे जल जो है की धारा जो है वो बनाई जाती है। इस तरह सूर्यदेव को 7 बार जल अर्पित किया जाता है। यदि सूर्य देवता को घर पर ही अर्घ जो है वो दे रहे हैं तो जहाँ जल गिरेगा वहाँ पर किसी बर्तन या बाल्टी को रखा जाता है। ऐसा करने से जमा हुआ जल है वो किसी गमले या पौधे की जड़ में डाल दिया जाता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के समय गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूरज नीचे के स्थान पे है तो उसे मेष संक्रांति के दिन दान पुण्य करना चाहिए। मेष संक्रांति के दिन गरीब और जरूरतमंदों को गुड़, गेहूं और चांदी का दान देना शुभ माना गया है। साथ ही साथ सूर्यदेव की पूजा करने से सभी कष्ट, सभी दुख जो है वो दूर हो जाते हैं। तो इस बार जो मेष संक्रांति है वो इस बार जो है वो 14 अप्रैल को 2023 को दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। तो जो लोग भी करना चाहते हैं इस दिन विधिवत पूजा कीजिए और सारी दान पुण्य जो है वो कीजिए और अपनी सारी समस्याओं का निदान कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।